नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube के मैथ्स एजुकेशन पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज का सवाल बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज हम बात करेंगे ट्रेन रेलगाड़ी से संबंधित सवाल, व्यक्ति को पार करने में साधारण प्रश्न, ट्रेन से संबंधित सवाल, एक न एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए आज हम बात करते हैं रेलगाड़ी के बारे में। तो रेलगाड़ी से संबंधित सवाल है हमारा, जब एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है, एक रेलगाड़ी है जो 72 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। कोई एक रेलगाड़ी है जो 72 किलोमीटर घंटे की गति से चल रही है, तो उसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है दोस्तों। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने किससे गुणा करते हैं, 5/18 से। अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना रहेगा तो 5/18 से गुणा करेंगे। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे दोस्तों। तो हमारा कितना है, अभी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है, तो 72 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है दोस्तों। तो किस में चेंज करेंगे, ये वाला में, 5/18। कितने बार में जाएगा, 18 × 72 और 5 × 20, 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले, आज का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कोई रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, कोई हमारा एक रेलगाड़ी है जो कितने किलोमीटर के घंटे की चाल से चल रही है, कोई एक रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, तो किलोमीटर घंटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 × 18/5। 5 से इसको काटेंगे 25 को, तो कितने बार जाएगा, 5 बार में जाएगा, और 18 × 5 = 90, तो कितने घंटे की चाल से चलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 270 मीटर एक रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है और वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। 270 मीटर एक रेलगाड़ी है जो 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है और 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगा। आप लोग यही गलती करोगे, 30 मीटर प्रति सेकंड दिया है तो उसको चेंज नहीं करना है दोस्तों। अगर पुल वाले या किसी व्यक्ति को पार करे या पुल को पार करे तो इसमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ यहाँ दिया गया है मीटर। 270 मीटर एक रेलगाड़ी है और 180 मीटर एक लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा दोस्तों, तो जहाँ मीटर वाला दिया गया है उसको जोड़ देंगे। 270 मीटर एक ट्रेन है और 180 मीटर एक लंबा पुल, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, तो पुल को पार करने में चली गई दूरी क्या होगी, 450 मीटर होगी। तो पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, तो पुल को पार करने में समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल। तो हमारी दूरी क्या होगी, 450 मीटर दूरी, और चाल क्या है हमारा, 30 मीटर। ये कट गया, 0 का 0, 3 से काट देते हैं 15 बार में, तो लंबे पुल कितना समय में पार करेगी, 15 सेकंड में पार करेगी दोस्तों। चलिए इसे एक बार और बता देता हूँ, 270 मीटर की एक रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है और 180 मीटर लंबे पुल को कितना समय में पार करेगी। 270 मीटर हमारी एक ट्रेन हो गई है और 180 मीटर क्या हो गया है, एक पुल हो गया है, उन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो पुल को पार करने में चली गई दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 450 मीटर हो जाएगी। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 450 मीटर हो जाएगी। अब पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, तो पुल को पार करने में तो समय लगे क्या होगा, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है, 450 मीटर एक दूरी है और चाल हमारा 30 मीटर प्रति सेकेंड,
तो इसको हम काट देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 सेकेंड आ जाएगा। तो उस पुल को पार करने में, 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में 15 सेकंड का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबी है जो प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर सकती है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी हो, क्या ज्ञात करना है दोस्तों, चाल ज्ञात करना है। एक रेलगाड़ी 450 मीटर क्या है, लंबी है और प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर रही है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी हो, एक 150 मीटर लंबी है और एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबी है और प्लेटफार्म को पार करने में कितना सेकंड ले रहा है, 20 सेकंड का समय ले रहा है। जब दो ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार कर रही है, हमें दो ट्रेन है, एक 450 मीटर लंबी और एक 150 मीटर लंबी, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 600 मीटर। अब चाल ज्ञात करना है, तो चाल बराबर होता है हमारा, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है 600 मीटर और चाल कितनी है 20 सेकेंड। प्लेटफार्म को कितने सेकंड में पार करेगी, 20 सेकेंड में, तो 20 यहाँ से 1010 यहाँ से कट गया, 2 से इसको काटेंगे, 2 3 60 30 मीटर प्रति सेकेंड। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी दोस्तों, 30 मीटर प्रति सेकेंड होगी।